बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित करने की प्रक्रिया के तहत गाड़ू घड़ा कलश यात्रा बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर से दरबार टिहरी के लिए रवाना होगी। बता दें कि 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि को परंपरा के अनुसार तय किया गया है और इसी परंपरा के तहत डिमरी पंचायत के हक हकूक धारी गाड़ू घड़ा कलश यात्रा को पांडुकेश्वर से टिहरी के लिए गमन किया गया है। इस क्रम में पंचायत के सुरेश डिमरी ने बताया कि कपाट खोलने की तिथि तय होने से पहले गाड़ू घड़ा टिहरी राजदरबार में पहुंचता है। पांडुकेश्वर से संवाददाता अजय कृष्णा मेहता की रिपोर्ट। ये जो गाड़ू घड़ा हमारे यहाँ इस पौराणिक मान्यता के अनुसार यही से इसकी शुरुआत की जाती है और यहाँ से लेकर ये आज नरेंद्र नगर टिहरी में जो यहाँ से ले जाया जाता है इस गाड़ू घड़े को और 14 तारीख बसंत पंचमी के दिन श्री बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि वहीं से घोषित की जाती है, वहीं से तय की जाती है। भगवान बद्री विशाल का कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो भगवान के गाड़ू घड़ा प्रस्थान से शुरू की जाती है और आज इसका प्रथम पड़ाव कल शाम को पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर में था और आज ये यहाँ से प्रस्थान करके डिम्बर के लिए जाएंगे और वहाँ से डिम्बर से हम कल नरेंद्र नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस तरीके से ये कार्यक्रम जब नरेंद्र नगर गाड़ू घड़ा पहुँचेगा तो इस वर्ष की जो यात्रा काल की तिथि है वो घोषित की जाएगी। भगवान बद्री विशाल का आज से जो भोग प्रसाद का कार्यक्रम गांव ग्राम पांडुकेश्वर से प्रारंभ हो चुका है और ये टिहरी राज नरेश में जाएगा और टिहरी राज नरेश में 14 तारीख को बसंत पंचमी के दिन ये घड़ा वहाँ पहुँच कर इसमें जो है वहाँ पे सुहागन नारी द्वारा तिल का तेल निकाला जाएगा जो कि भगवान बद्री विशाल के जब कपाट खुलने की तिथि 14 तारीख बसंत पंचमी को टिहरी राज दरबार के यहाँ पे जो होगा उसके पश्चात यह गाड़ू घड़ा कपाट खुलने पे भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुँचेगा और रोज़ नित्य नियम के अनुसार सुबह जब अभिषेक महाभिषेक होता है उस टाइम भगवान के स्नान के बाद जो तिल का तेल प्रयोग किया जाता है।